पाकिस्तान के सदाबहार मित्र चीन की वजह से उसके तोते उड़ते जा रहे हैं। हालत यह है कि चीन का पाकिस्तान पर बढ़ते कर्ज ने उसकी अर्थव्यवस्था का कचूमर निकाल दिया है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान को IMF के कर्ज से दुगनी रकम चीन को चुकानी है। वह उसके कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और यह रकम लगातार बढ़ती जा रही है। अब इमरान खान अपनी तस्वीर मटकाकर उसे रिझाने के लिए 7 अक्टूबर को फिर से चीन में जा रहे हैं। इसको लेकर IMF भी सतर्क हो गई है और उसकी पूरी निगाह पाकिस्तान की चालबाजियों पर है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2022 तक चीन को 6 अरब 70 करोड़ डॉलर की रकम चुकानी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कर्ज नहीं चुका पाता है तो उस पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में चीन पाकिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर सकता है। यहां भारत को भी कुछ हद तक सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान के पास चीन की देनदारियों को चुकाने की स्थिति नहीं बनती है तो वह POK का काफी हिस्सा अक्साई चीन में जोड़ सकता है। इसलिए भारत पर POK में कार्रवाई के लिए भी दबाव बढ़ना निश्चित है। गौर करने वाली बात यह है कि बीते साल सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को उन 8 देशों में शामिल किया था जो बेल्ट एंड रोड प्लान के चलते कर्ज के संकट में फंसे हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ पाकिस्तान के सदस्य बुर्जिन वागमर के अनुसार यह परियोजना पूरी तरह पाकिस्तान के खिलाफ गई है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में CPEC का निर्माण बहुत हद तक बंद पड़ा है और इमरान सरकार इससे कन्नी काटने लगी है। दरअसल 2 साल पहले चीन से लिया गया कर्ज लगातार बढ़ने लगा है। जब से देश में डॉलर रिजर्व कम हुआ है तो पाकिस्तान ने उससे बचने के लिए लगातार कर्ज का सहारा लेना शुरू किया। अब वह पूरी तरह इस दलदल में फंस चुका है। हालत यह है कि अगले 5 साल में उस पर कर्ज का बोझ 47% से बढ़कर 46 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा। वित्त वर्ष 2019 तक यह 31 लाख करोड़ पाकिस्तान रुपए हो चुका है। अगर बाहरी कर्जों की बात की जाए तो मौजूदा समय में यह 10.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए है, यानी पूरे पाकिस्तान की लंगोटी तक गिरवी पड़ी है। पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तुलना में चीन को अगले 3 साल के दौरान दोगुना से भी अधिक कर्ज चुकाना है। पाकिस्तान को चीन के करीब 6 अरब 7 करोड़ डॉलर तो देने ही है। अभी 4 महीने पहले 2 अरब डॉलर से ज्यादा की राशि भी इस अवधि में देनी है। खास बात यह है कि IMF ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का राहत पैकेज दिया था, पर वह रकम कहां खर्च की गई इसकी समीक्षा अभी IMF द्वारा की जानी बाकी है। इमरान खान 7 और 8 अक्टूबर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर फिर चीन की शरण में जा रहे हैं। कहने को तो वह ऐसे चीन से दोस्ती मजबूत करने का वास्ता बता रहे हैं, पर 65 सालों में और कितनी मजबूत दोस्ती करनी है यह सबको पता है। इमरान की निगाह चीन से मिलने वाली और मदद पर है। वह चीन से कर्ज के बाद कर्ज लेने को बेकरार है। मजे की बात यह है कि चीन भी अब अपने हाथ खोल रहा है। चीन के लिए पाकिस्तान का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता है। उसकी निगाह अब अक्साई चीन को लांघकर POK पर टिक गई है। POK का पूरा क्षेत्र खनिज संपदा से भरपूर है। पाकिस्तान उसका दोहन कर सके इतना उसमें सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब चीन उसे अपने कर्ज में फंसकर इस क्षेत्र को बुरी दृष्टि से देख रहा है। पाकिस्तान की रणनीति यह है कि इससे पहले भारत POK को हासिल करे, उसे चीन के अधिकार में देकर भारत को मात भी दी जाए और भारी रकम भी हासिल कर ली जाए। अपनी इस नई प्लानिंग को अमली जामा पहनाने के लिए इमरान सरकार एक्टिव हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है कि भारत सरकार पाकिस्तान की चालबाजियों से वाकिफ नहीं हो। भारत भी अब POK पर कार्रवाई के लिए अवसर की तलाश में है। जानकारों के अनुसार उच्च स्तर पर POK की वस्तु स्थिति से दुनिया के मित्र देशों को अवगत कराया जा रहा है। साथ ही भविष्य में किसी कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में उन्हें विश्वास में लेने की रणनीति भी बनाई जा रही है। मतलब साफ है, इससे पहले पाकिस्तान चीन के चंगुल से अपनी गर्दन बचाने के लिए POK को उसके पास गिरवी रखे, भारत को अपने प्रयास तेज करके POK को हासिल करना जरूरी हो गया है। चीन और पाकिस्तान जिस प्रकार एक दूसरे की तस्वीर पर खुजा रहे हैं, जिस दिन वह खुजलाहट दूर होगी POK पर ये दोनों कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। फिर यदि पाकिस्तान ने अक्साई चीन की तरह POK भी चीन के हवाले कर दिया तो भारत द्वारा उसे हासिल करना आज के मुकाबले बेहद कठिन हो जाएगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।